दोस्तों अंडमान के जो यूथ है उसके लिए एक वैकेंसी का अपडेट आया है। दोस्तों हर एक डिपार्टमेंट का अलग अलग जो पोस्ट होता है वो अलग अलग पोस्ट यहाँ पे आया है और इसको आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आप अप्लाई करने के लिए क्या करना होगा इस वीडियो में फुल प्रोसेस आपको दिखाने वाला हूँ। दोस्तों एक चीज़ मैं आपको पहले बता देता हूँ, जो भी यहाँ पे जो प्रोसेस होगा आप फ़ोन से ही कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन जो एक स्टेज आता है जो जहाँ आपको पोस्ट सेलेक्ट करना होता है कौन सा डिपार्टमेंट का कौन सा पोस्ट है, एक एक करके आप लेफ्ट लेफ्ट से लेके ऐड करके राइट में लेना होता है। वो जो पेज है वो पेज फ़ोन में काम नहीं कर रहा है ठीक से, तो आप सिस्टम से करने से सबसे बेटर है। अब बाकी काम आप फ़ोन से कर सकते हैं, जैसे कि एप्लीकेशन नंबर आपको एक बार मिल जाएगा तो आप उसी के जरिए एप्लीकेशन के नंबर नंबर के जरिए आप सिस्टम में जाके कोई भी शॉप से उसको पूरा कर सकते हैं। और दोस्तों इसमें मैं बताने वाला हूँ, आप जो फोटो अपलोड करते हैं या फिर सिग्नेचर अपलोड करते हैं उसका जो एक ऐप है जो कैसे उसको रिड्यूस करना है साइज़, वो भी मैं आपको इस वीडियो का लास्ट में बताने वाला हूँ, तो वीडियो का एंड तक ज़रूर बने रहिएगा दोस्तों। और जो भी हमें प्रोसेस है ये सिर्फ आपको इस बार काम नहीं आएगा, जो भी ऑनलाइन में अभी फिल करने वाला हो, जो आपको लाइव दिखाने वाला हो, वो चीज़ आपको जब जब अंडमान का वैकेंसी निकलेगा तब तब आपको काम आएगा फॉर्म भरने के लिए। इसको आप देख के दोबारा भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और वो आप मोबाइल से ही कर सकते हैं। यहाँ में बहुत सारा वैकेंसी है इसीलिए शायद से एक पेज ठीक से ओपन नहीं हो रहा है इसमें, तो बाकी जो निकलेगा उसको वो आप फ़ोन से ही फिलअप कर सकेंगे। तो इस वीडियो का लास्ट तक ज़रूर बनिएगा दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं वीडियो। ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको अप्लाई करने के लिए पहले यहाँ पे आ जाना है, क्रोम पे आ जाना है, क्रोम ब्राउज़र पे अपना फ़ोन में। उसमें आने के बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है कार्मिक अंडमान, तो इस तरीके का ऑप्शन आपको मिलेगा। जो यहाँ पे ऑप्शन आपको मिलता है ई रिक्वायरमेंट पोर्टल फॉर अंडमान एंड निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन डेवलप्ड, इसमें आपको क्लिक कर देना है। सेकेंड वाला पे क्लिक करेंगे सबसे बेटर होगा दोस्तों, अगर फर्स्ट में आपको ऑप्शन मिल जाता तो कोई बात नहीं, उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि मैंने फर्स्ट में इसको जो क्लिक किया है, लेकिन यहाँ पे आपको शो नहीं हो रहा है, देखिए यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, तो इस तरह की इसका प्रॉब्लम आपका भी फेस हो सकता है। तो आप क्या करेंगे, नीचे वाला ऑप्शन जो है इस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अप्लाई का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। दोस्तों अगर आपको दिक्कत हो रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं यूट्यूब बॉक्स का जो डिस्क्रिप्शन है उसमें मैं आपको लिंक दे दूंगा, उससे भी आप एंटर कर सकते हैं, या फिर उस लिंक को कॉपी करके उस लिंक पे क्लिक करके एंटर होने के बाद वहाँ से आप कॉपी करके डायरेक्ट क्रोम से आप उसको आप ओपन कर सकते हैं। उसके बाद का जो प्रोसेस है मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे लिखा है, देखिए यहाँ पर जो लास्ट डेट है 19 तारीख मई महीना 2023, इसका लास्ट डेट है। तो आपको अप्लाई करने के लिए क्या करना होगा दोस्तों, यहाँ पे देखिए लिखा होगा अप्लाई ऑनलाइन। अगर आपका जो एप्लीकेशन है वो अप्लाई करने के बाद दो तीन पेज कंप्लीट होने के बाद आपका फॉर्म रुक जाता है और आपका जो काम है वो अधूरा रह जाता है, तो आप क्या करेंगे, फिर से इसी तरह आके आपको ये जगह जो एक ऑप्शन मिलता है कंप्लीट पार्शियल एप्लीकेशन, ये जो ऑप्शन है इसमें आप क्लिक करके अपने एप्लीकेशन नंबर टाइप करके अपना डेट ऑफ बर्थ टाइप करके सबमिट का बटन में क्लिक करके आप वही में जाके वही जगह से फॉर्म दोबारा फिलअप कर सकते हैं। नए से अप्लाई करने के लिए आपको इसमें क्लिक करना होता है अप्लाई ऑनलाइन में, क्लिक करते ही आपका सामने इस तरह फॉर्म ओपन हो जाएगा। इसमें कुछ कुछ इंस्ट्रक्शन दिया गया है आपको, आप इसको पढ़ लेंगे, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है दोस्तों, पढ़ने का ज़रूरत नहीं पड़ता है, जो मैं ऑलरेडी वीडियो में अभी बताने वाला हूँ। तो दोस्तों हम आप ओके में क्लिक कर देंगे, क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके का आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा। जैसे कि आपको यहाँ पे नेम ऑफ द कैंडिडेट, आपको यहाँ पे फर्स्ट नेम, उसके बाद मिडिल नेम, उसके बाद लास्ट नेम आपको फिल करना है। अगर मिडिल नेम और फर्स्ट नेम में आपको दिक्कत हो रही है, मतलब मिडिल नेम और लास्ट नेम में आपको दिक्कत हो रही है, तो मैं आपको एग्जांपल के लिए बता देता हूँ। जैसे कि अमित कुमार रॉय, अगर अमित कुमार रॉय नेम है तो फर्स्ट में अमित आएगा, फर्स्ट नेम में मिडिल में आएगा कुमार और लास्ट नेम में आएगा रॉय। अगर सिर्फ अमित रॉय है तो फर्स्ट नेम में यहाँ में अमित आएगा और लास्ट नेम में यहाँ में रॉय आएगा। तो दोस्तों उसके बाद सेम उसी तरीके से अपना फादर्स नेम भी आपको यहाँ पर टाइप कर देना है, उसके बाद अपना मदर्स नेम टाइप करना है, जैसे कि आपका नाम फिल करे है उसी तरीके से आपको दोनों फिल कर देना है। उसके बाद आपका जेंडर यहाँ में सेलेक्ट कर लेना है, मेल फीमेल आपका हिसाब से आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपका डेट ऑफ बर्थ लिखा होगा, इसमें आपको एक कैलेंडर का ऑप्शन मिल जाता है, थोड़ा सा आप इसको छोटा कर लेंगे, इसको साइड कर लेंगे, और इसको जो एक कैलेंडर का ऑप्शन आपको दिख रहा है ऑरेंज कलर में, इसमें आप क्लिक करेंगे तो एक कैलेंडर ओपन हो जाएगा। ऊपर में जो मई 1967 लिखा हुआ है इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, उसके बाद इसी ईयर के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो पहले ईयर आएगा, एक के बाद एक यहाँ पे सेट करते रहेंगे आप तो यहाँ पे आपका ईयर आ जाएगा। जैसे कि मेरा है 1995, तो यहाँ पे मैं
मेरा जो ईयर आएगा उसके बाद मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर सकता हूँ। जैसे कि ये देखिए यहाँ पे आ चुका है, तो मैं 1995 में सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद आपका जो मंथ है वो आपको सेलेक्ट करना होता है, जैसे कि मेरा मार्च है। उसके बाद यहाँ पे आपको डेट सेलेक्ट करना होता है, जैसे कि मेरा 30 है, तो मैं यहाँ पे मेरा डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर चुका हूँ। तो इसी तरीके से आपको भी सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद देखिए आ जाता है यहाँ पे आपका कैटेगरी, जैसे कि OBC ST जनरल जो भी आप है यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लेंगे। मैं यहाँ पे OBC हूँ तो मैं OBC सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद यहाँ पे और भी ऑप्शन मिल जाता है, जैसे कि बंगाली सेटलर्स, जो सेटलर्स है उनके लिए है, तो यहाँ पे मैं बंगाली सेटलर्स यहाँ पे सेलेक्ट कर दूंगा। उसके बाद आपके यहाँ में पूछा गया है क्या आप, देखिए यहाँ पे 8 नंबर में पूछा गया है डू यू बिलोंग टू द मेरिटस स्पोर्ट्स पर्सन कैटेगरी, तो यहाँ पे आप नो सेलेक्ट करेंगे, अगर है तो येस। यहाँ पे 9 नंबर में लिखा गया है, देखिए दोस्तों यहाँ पे आर यू ए पर्सन विथ डिसेबिलिटी, क्या आपको डिसेबिलिटी है, आप हैंडीकैप है, तो आप यहाँ पे नो कर देंगे, अगर है तो येस। उसके बाद आपका सर्टिफिकेट नंबर वगैरह कुछ देना होगा। 10 नंबर में देखिए दोस्तों आर यू एन एक्स सर्विसमैन, अगर आप एक सर्विसमैन है तो आप यहाँ में येस में क्लिक करेंगे, नहीं तो नो में क्लिक करेंगे। उसके बाद देखिए नेशनलिटी यहाँ में ऑलरेडी इंडियन सेलेक्ट रहेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे जो परमानेंट एड्रेस है आपको यहाँ फिल करना होता है। उसके बाद अगर परमानेंट एड्रेस और टेम्पोररी एड्रेस आपका सेम है, यानी कि कम्युनिकेशन एड्रेस, तो आपको यहाँ पे सिर्फ टिक करना है, ऊपर जो एड्रेस आप फिल करेंगे नीचे सेम टू सेम आ जाएगा। अगर आपका एड्रेस दोनों अलग है तो आप इसको टिक नहीं करेंगे। यहाँ पे आपका परमानेंट एड्रेस और नीचे है आपका टेम्पोररी एड्रेस, मतलब कम्युनिकेशन एड्रेस। उसके बाद इसको फिल करने के बाद, और इसको फिल अप कैसे करेंगे दोस्तों, देखिए फर्स्ट यहाँ पे विलेज लिखा हुआ है, आपका गांव का नाम लिखेंगे, सिटी टाउन आप जैसे कि रंगत पुबलर या फिर डिगलीपुर आप लिख सकते हैं। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट आपको नॉर्थन मिडलैंड अमन या फिर जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है वो आप यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद आपको स्टेट लिखना होगा फुल, और उसके बाद आपका पिन कोड टाइप कर देना है। इसी तरीके से आपको नीचे पोर्शन भी भर देना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे दोस्तों आपको ईमेल आईडी पूछा गया है, ईमेल आईडी आप यहाँ पे फिल कर देंगे। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर यहाँ पे आप फिल कर देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे पूछा गया है आर यू ए रेसिडेंट ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, क्या आप रेसिडेंट है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के, आप क्या पहले से ही अंडमान या निकोबार में रहते हैं, यहाँ में ही आपका घर है, तो आप यहाँ में येस करेंगे, अगर नहीं है तो आप यहाँ में नो पे क्लिक करेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे और एक ऑप्शन आपको मिल जाता है प्लेस ऑफ रेसिडेंट्स, आप कहाँ के रहने वाले हैं, इसको आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन मिल जाता है, जैसे कि पोर्टब्लर, फर्रागंज, लिटिल अंडमान, रंगत, मायाबंदर, डिगलीपुर, कार्निकोबर, रनकावरी, कैंपबेल बे, इस तरह बहुत सारा ऑप्शन आपको मिल जाता है। जो भी आप है आप वहाँ में उसको सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे एक आईडी प्रूफ का ऑप्शन दिया गया है और सेलेक्ट का ऑप्शन दिया गया है। सेलेक्ट में आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा कौन सा आईडी कार्ड नंबर आप देना चाहते हैं। आपको एक आईडी कार्ड नंबर देना होता है, तो आप वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड या फिर आप पासपोर्ट, आइलैंडर कार्ड या फिर अदर कोई गवर्नमेंट आईडी है तो उसका भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो मेरे पास आइलैंडर कार्ड है, तो मैं अगर आइलैंडर कार्ड सेलेक्ट करता हूँ तो इसमें देखिए कुछ ऑप्शन आपको दिख नहीं रहा है, कहाँ पे आपको आइलैंडर कार्ड नंबर टाइप करना है। उसके लिए आपको क्या करना होगा, अगर एक बार में नहीं आता है तो दो बार आप दूसरा यहाँ में सेलेक्ट कर लीजिए। करने के बाद फिर से आप आइलैंडर कार्ड में क्लिक करिए, जो भी आपका है वो सेलेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ पे आपको दिख जाएगा, जैसे कि देखिए यहाँ पे शो हो रहा है। एक बार मैंने क्लिक किया है फिर बैक कर दिया है, तो देखिए यहाँ पे आइलैंडर कार्ड और नीचे आइलैंडर कार्ड नंबर यहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं। कभी कभी साइट काम नहीं करता है तो इसी तरीके से वो एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन नंबर, ये दोस्तों देखिए हर एक जो नंबर्स है जो भी आपको पूछा गया है उसका सामने एक रेड कलर का स्टार होगा, इसका मतलब आपको मैंडेटरी आपको उसको फिल करना ही होगा। अगर यहाँ पे रेड मार्क नहीं है तो उसको आपको फिल करने की जरूरत नहीं है, वो ऑप्शनल है, आप दे भी सकते हैं, आप नहीं देने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि 18 नंबर में एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन नंबर, इसमें देखिए जो नंबर है यहाँ पे आपको देना नहीं होता है, यहाँ पे रेड स्टार नहीं है, इसीलिए आपको ये देने का ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ये सब फिल करना हो जाता है उसके बाद आप नीचे आएंगे सेव एंड प्रोसीड में क्लिक कर देंगे। दोस्तों अगर आपका कुछ छूट गया है तो आप सेव एंड प्रोसीड में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक दिखा देगा एक रेड कलर का मार्क आ जाएगा उसमें, और लिखा आ जाएगा फिल द मैंडेटरी, तो उसके बाद आप इसको फिल करेंगे। फिल करने के बाद यहाँ पे सेव एंड प्रोसीड में फिर से क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही आपको यहाँ पे सबमिट हो जाएगा और आपको पूछा जाएगा कि एक बार सेव हो जाएगा तो दोबारा आप एडिट नहीं कर सकते, तो इसमें आपको ओके कर देना है एक बार वेरीफाई करके। उसके बाद दोस्तों आपका सामने ये वाला पेज ओपन हो जाएगा, आपको एक एप्लीकेशन नंबर दिया जाएगा, जो कि मैंने पहले आपको बताया। एप्लीकेशन नंबर आपको यहाँ पे लिख के रखना है कोई जगह, ये आपको काम में आने वाला है। अगर आपको फॉर्म बीच में कोई जगह छूट जाता है या फिर कोई जगह से आप बैक हो जाते हैं तो आप दोबारा से वही जगह से फिल कर सकते हैं इस एप्लीकेशन नंबर के मदद से। तो दोस्तों इसको आप लिख देंगे और ओके कंटिन्यू में क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ में देखिए फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करना होता है, यहाँ पे आपको नीचे देख सकते हैं
देखिए यहाँ पे जूम करके मैं आपको दिखा रहा हूँ, सिलेक्ट फोटोग्राफ में आपको फोटो सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट सिग्नेचर में आपको सिग्नेचर सेलेक्ट करना होगा। तो पहले यहाँ पे चॉइस फाइल में सिलेक्ट फोटोग्राफ का वहाँ पे चॉइस फाइल में क्लिक करेंगे, उसके बाद अपना फाइल में क्लिक करके फाइल में जाके अपना फ़ोटो लेके वहाँ पे ऐड कर देंगे। फाइल में जहाँ में भी आप फोटो सेव करके रखे वहाँ पर जाके आप ऐड कर लेंगे। उसके बाद आपको उसी तरीके से सेम प्रोसेस में आपको सेलेक्ट सिग्नेचर में या फिर चॉइस फाइल में क्लिक कर देना है, और वही उसी तरीके से आपको फाइल में या फिर अपना गैलरी में जाके आपको अपना फ़ोटो सेलेक्ट कर लेना है सिग्नेचर का। दोस्तों यहाँ पे दोनों जब सेलेक्ट आप कर लेंगे, करने के बाद आपको यहाँ पे अपलोड में क्लिक करना है। नीचे जो एक ऑप्शन आपको दिख रहा है अपलोड, इसमें आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही यहाँ पे देखिए आपका सिग्नेचर और फोटो सक्सेसफुली यहाँ पे अपलोड हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे आपको और एक पेज ओपन हो जाएगा, जो कि आपका क्वालिफिकेशन डिटेल्स यहाँ में पूछा गया है वो आप यहाँ पे फिल कर देंगे। जैसे कि देखिए मैं जूम करके आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे देखिए नेम ऑफ द एग्जामिनेशन, यहाँ में आपको 10 पास का पूछा गया है। ठीक है, 10 पास का जो एग्ज़ाम आप लिखे हैं जो नेम है वो SSE आएगा। आप फिर भी एक अपना सर्टिफिकेट में चेक कर लेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ में बोर्ड यूनिवर्सिटी आपको यहाँ में CBSE लिखना है, और यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर डाल देना है, आपका एक सर्टिफिकेट नंबर रहेगा 10 पास का, और ईयर ऑफ पासिंग आप कब पास कर रहे हैं उस ईयर को आपको पास ईयर ऑफ पासिंग में यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पे आपको 3 क्वेश्चन पूछा गया है, यस और नो करना है आपको। पहले वाला में देखिए डू यू पोसेस एसेंशियल मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो आपको यहाँ पे यस करना है, इसमें आपको यस कर देना है। उसके बाद देखिए दूसरा जो ऑप्शन पूछा गया है यहाँ पे देखिए यू आर एवर एम्प्लॉयड इन एनी डिपार्टमेंट, आप कोई डिपार्टमेंट से है तो आप यहाँ पे नो कर देंगे, अगर है तो आप यस करेंगे। देखिए यहाँ पे मैंने नो कर दिया है, मैं कोई डिपार्टमेंट से नहीं हूँ। तो उसके बाद 22 में देखिए आर यू सिकिंग एज रिलैक्सेशन, तो इसमें लगभग सब नो ही होता है, तो मेरा भी नो है, आप भी नो ही कर दीजिएगा। उसके बाद देखिए लास्ट वाला ऑप्शन जो है चॉइस एग्ज़ाम सेंटर लोकेशन, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आपका जो एग्ज़ाम आप जहाँ देना चाहते हैं वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन मिल जाता है, रंगत पॉपुलर जो भी है आप यहाँ में सेलेक्ट कर लेंगे जहाँ में आप एग्ज़ाम लिखना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए सेव डिटेल्स में आप क्लिक कर देंगे, क्लिक करते ही आपको इस तरीके का इंटरफेस मिलेगा दोस्तों। इसमें आपको अपना पोस्ट सेलेक्ट करना होता है, लेफ्ट साइड में पोस्ट रहेगा उसको आपको सेलेक्ट करना होगा, फिर बीच में आएगा जो क्वालिफिकेशन डिटेल्स आपको यहाँ पे दिख जाएगा बीच में। फिलहाल यहाँ में पोस्ट नहीं आ रहा है तो ये फ़ोन में सपोर्ट नहीं कर रहा है, जो कि मैं वीडियो का पहले आपको बता चुका हूँ। तो ये आप जो एप्लीकेशन नंबर आपका है उससे आप डायरेक्ट सिस्टम में जाके कर सकते हैं, वहीं से फॉर्म कंप्लीट कर सकते हैं। दोस्तों आपका एप्लीकेशन जो है यहाँ पे आप इनकम्प्लीट करे हैं, जैसे कि पोस्ट का जो पेज आता है उसके बाद आपको पोस्ट में सेलेक्ट का ऑप्शन नहीं मिलता फ़ोन में। अगर आप उसी चीज़ को आप लैपटॉप में करेंगे या फिर अपना सिस्टम में करेंगे तो वो चीज़ यहाँ पे शो होगा, वहाँ से आप दोबारा कंप्लीट कर सकते हैं, मतलब वहीं से आप फिर से शुरू कर सकते हैं। जैसे कि एप्लीकेशन नंबर आपको मिला होगा और आपको डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे टाइप कर देना होगा। देखिए कैसे, यहाँ पे पहले अपना एप्लीकेशन नंबर टाइप कर देंगे, उसके बाद यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ टाइप कर देंगे, एज इट इज़ जैसा है वैसे ही आपको टाइप करना है। नीचे आपको एग्जाम्पल दिया होगा, यहाँ पे देखिए एक एग्जाम्पल दिया है। इसी तरीके से आपको यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ लिखना है और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपका जो इनकम्प्लीट फॉर्म है, जो आप जहाँ तक आप करे थे, यहाँ पे पोस्ट डिटेल्स में जाएंगे और यहाँ पे देखिए सारा पोस्ट आ चुका है साइट पे। ये जो दिख रहा है आपको यहाँ पे सारा पोस्ट यहाँ पे शो हो रहा है, लेकिन फ़ोन पे यहाँ पे शो नहीं होता है, तो वही चीज़ को आपको यहाँ से कम्प्लीट करना है। दोस्तों यहाँ पे जो एक एक जो पोस्ट है इसको आप जब सेलेक्ट करेंगे तो ये साइड पे यहाँ पे आ जाएगा, फिर आपको यहाँ पे यस में टिक करना है और ऐड में क्लिक करना है तो ये साइड में आ जाएगा, वो सिलेक्ट हो जाएगा। जैसे कि मैंने देखिए एक करके रखा हुआ था। देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको बहुत सारा ऑप्शन मिल जाता है, बहुत सारा वैकेंसीज निकला है। जैसे कि यहाँ पे देखिए एक है चौकीदार पे लेवल 1 ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का है, इसको आप सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करते ही यहाँ पे कुछ इस तरीके से आ जाएगा पोस्ट का नेम, और यहाँ पे एसेंशियल एजुकेशन मतलब रिक्वायर्ड जो भी आपका क्वालिफिकेशन पूछा गया है इस जॉब के लिए वो यहाँ पे लिखा होगा। जैसे कि इसमें पूछा गया है खाली 10 पास, अगर आप 10 पास है तो आप ये पोस्ट में फॉर्म भर सकते हैं। तो अगर भर सकते हैं तो यहाँ पे आप यस करेंगे, और यहाँ पे जो डिटेल्स हमें पूछा गया है ट्रेनिंग इन बेसिक रिफ्रेशनर कोर्स होम गार्ड एंड सिविल डिफेंस,
अगर इसमें कुछ आपको क्वालिफिकेशन ट्रेनिंग है तो यहाँ पे टिक करेंगे, नॉलेज इन हिंदी तो आप यहाँ पे टिक करेंगे, एबिलिटी टू राइड बाईसाइकिल तो आप यहाँ पे टिक करेंगे, उसके बाद ये ऐड में क्लिक कर देंगे। यहाँ पे देखिए दोस्तों पोस्ट ऐड हो चुका है, यहाँ पे ओके का एक ऑप्शन आया होगा, देखिए पोस्ट हैव बीन सेव्ड सक्सेसफुली कंटिन्यू विथ एडिंग पोस्ट, इसमें ओके कर देंगे। यहाँ पे देखिए एक ऐड हो चुका है, दूसरा आप उसी तरीके से यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि देखिए बस ड्राइवर आपका लाइसेंस होना ज़रूरी है, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का है। इसी तरीके से आपको बहुत सारा ऑप्शन मिल जाता है, जैसे कि मैं यहाँ पे असिस्टेंट स्टोर कीपर, इसमें आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद देखिए यहाँ पे भी सेम उसी तरीके से यहाँ पे पोस्ट का नाम आ जाएगा, और यहाँ पे जो सेकेंडरी स्कूल एडुकेशन है इस आपको 10 पास पूछा गया है, और इसमें गुड फिजिक एंड हैविंग एक्सपीरियंस इन वॉच एंड वार्ड ड्यूटी इन द रिप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन, तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं, 10 पास पूछा गया है। यहाँ पे येस करेंगे, येस करने के बाद यहाँ पे उसी तरीके से आपको सेलेक्ट करना होगा कुछ ट्रेनिंग आप किए हैं कि नहीं। एक नंबर में पूछा गया है ट्रेनिंग इन बेसिक एंड रिफ्रेशनर कोर्स इन होम गार्ड एंड सिविल डिफेंस, अगर आप इसमें कुछ कोर्स करे हैं तो आप यहाँ पे टिक करेंगे, नहीं तो इसको अनटिक करके ही रखेंगे। एबिलिटी टू राइड बाईसाइकिल, साइकिल तो लगभग सभी को चलाना आता है तो आप यहाँ पे टिक करेंगे और ऐड में क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए और ऊपर में ओके कर देंगे। यहाँ पे देखिए एक के बाद एक ऐड होते जाएगा, आप यहाँ से ऐड करेंगे और यहाँ पे एक के बाद एक ऐड होते जाएगा। इसी तरीके से जितना भी यहाँ में आप कोर्स है वो एक एक करके सेलेक्ट करेंगे, आपको यहाँ पे शो होगा, आप ऐड करते रहेंगे, ये इसमें क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो भी ऑप्शन आएगा उसको ऐड करते रहेंगे आप। तो यहाँ पे जब ऐड आपका कंप्लीट हो जाएगा तो सीधा नीचे आएंगे और यहाँ पे जो नेक्स्ट का ऑप्शन आपको दिख रहा है, यहाँ पे जो नेक्स्ट का ऑप्शन आपको दिख रहा है आप इसमें क्लिक कर देंगे। पोस्ट सेलेक्ट होने के बाद जब आप नेक्स्ट में क्लिक करते हैं, मतलब जो भी आपका पोस्ट आप सेलेक्ट किए हैं उसका बाद आप नेक्स्ट में क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा, पोस्ट प्रायोरिटी, उसके बाद जो है यहाँ पे जो भी आप सेलेक्ट किए हैं सब आ जाएगा। एक बार आप अपडेट पोस्ट प्रेफरेंस में क्लिक कर देंगे, क्लिक करने के बाद आप नेक्स्ट में क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे नीचे जो ऑप्शन दिखा गया है, देखिए नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। दोस्तों यहाँ पे देखिए नेक्स्ट पे क्लिक करते ही यहाँ पे एक फाइनल पेज आपका सामने ओपन हो जाता है, यहाँ पे आपको टिक करना होता है, टिक करने के बाद यहाँ पे कैप्चा आया है इसको आपको यहाँ फिल कर देना है। फिल करने के बाद आपको नीचे वाला जो एक फाइनल सबमिट का ऑप्शन दिख रहा है इसमें आपको क्लिक कर देना है, क्लिक करते ही आपका सामने एक पॉपअप सामने आ जाएगा, यहाँ पे देखिए वन सबमिटेड यू विल नॉट बी एबल टू एडिट द एप्लीकेशन, मतलब आप एक बार सबमिट करने के बाद दोबारा आप एडिट नहीं कर सकते। अगर आपको कुछ मन में डाउट है तो नो में क्लिक करके एक बार फुल अप देख लीजिए, उसके बाद आप सबमिट पे क्लिक करिए। मेरा सब कुछ यहाँ पे सही है, जैसे कि आप यहाँ पे जो पोस्ट है वो भी आप बाद में सेलेक्ट नहीं कर सकते एक बार आप सबमिट का बाद, तो मेरा यहाँ पे सब कुछ सही है, तो मैं यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगा। क्लिक करते ही देखिए यहाँ पे पॉपअप आ चुका है कि सबमिटेड सक्सेसफुली एप्लीकेशन, उसके बाद यहाँ पे पार्ट वन एप्लीकेशन समारी इसमें आप क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आपका जो डिटेल्स है यहाँ पे शो हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए जो भी आप सेलेक्ट किए हैं यहाँ पे लाइन से आ गया है कौन कौन सा पोस्ट आप सेलेक्ट किए हैं आपका। हमें सिंपली ऊपर में जो प्रिंट का एक ऑप्शन दिख रहा है इसमें आपको क्लिक कर देना है, क्लिक करते ही एक पीडीएफ फाइल आपका सामने रेडी हो जाएगा, इसमें आप एक पीडीएफ का ऑप्शन मिलेगा इसमें क्लिक करेंगे और गैलरी में इसको सेव कर लेंगे। तो दोस्तों आपका एप्लीकेशन सबमिट हो चुका है, देख सकते हैं आप यहाँ पे, आप अभी इसको ऐसे ही एप्लीकेशन रख देंगे, जब भी आपका इंटरव्यू होगा तब आपको एप्लीकेशन नंबर का ज़रूरत पड़ेगा। और दोस्तों जो फोटो और सिग्नेचर आप यहाँ पे अपलोड कर रहे हैं उसका साइज़ कैसे रिड्यूस करते हैं वो मैं एक वीडियो में बना चुका हूँ, और इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उस वीडियो का लिंक दे दूँगा, आप चाहे तो वहाँ से उसको देख के सीख सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। दोस्तों मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।